जय गुरु जी, जय जय गुरु सच अ प्लेजर टू बी हियर गुरु जी की संगत में आप सब प्यारे लोगों के साथ हम कुछ शेयर करेंगे कुछ बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में जो शुरू हुई थी आज से 20 साल पहले जब गुरु जी को हम नहीं मिले थे उससे पहले का जो हमारा समय है वो तो अब कोई अलग ही जिंदगी लगता है चल रही थी जिंदगी ऐसा नहीं है कि जिंदगी नहीं चल रही थी जिंदगी चल रही थी लेकिन उस जिंदगी और आज की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है जिस दिन से हम गुरु जी को मिले 20 साल पहले ही ट्रांसफॉर्म्ड आवर लाइफ कंप्लीटली जय गुरु जी थैंक यू अतुल जी फॉर इनवाइटिंग अस हियर जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया कि हमारा कनेक्शन और यह जर्नी गुरु जी के साथ 20 साल पहले शुरू हुई थी आई कैन कंपेयर इट टू अ स्टोरी विच वी नॉर्मली से एक था राजा एक थी रानी उनकी जिंदगी में गुरु जी आए एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर हमारी कहानी भी कुछ इस प्रकार है विद गुरुजीज ब्लेसिंग्स जय गुरुजी सारे टाइम एक जैसे नहीं होते गुरुजी के मिलने से पहले हम भी कुछ ऐसे दौर से निकल रहे थे जहां पे बहुत सारी परेशानियां थी हर दौर में वेदर इट वॉज फाइनेंशियल बिजनेस रिलेशनशिप्स हेल्थ वाइज We were going through a rough patch. We were directionless. We didn't know which path to take. Our another big concern was ki bachcho ki aage further studies wo abhi apna school finish kar rahe the. What to do, where to go. So isi kashmakash mein hum log phir discuss karte hain ki aage kya kare jab मेरे हस्बैंड ने ये सोचा कि चलो बाहर जाके देखते हैं वहां पे कुछ अपना काम नया चलाते हैं एंड लेट अस सी एक दिन मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है भावना जी जो मेरे घर पे आई और मेरे को सजेस्ट करने लगी कि वो गुरुजी के पास जा रही हैं और उन्होंने कहा कि आप भी मेरे साथ चलो वो पहले से ही गुरुजी की भक्त थी I will always be grateful to Bhavna ji for taking me to Guruji. हम निकल पड़े अब घर से जब रास्ते में थे तो मुझे भावना जी ने बोला कि गुरु जी अपनी मर्जी से बुलाते हैं हो सकता है वो आपको बुलाएं या ना बुलाएं। आप डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होना अपनी मर्जी से कोई उनके पास जा नहीं सकता और वहां जाके आपने कुछ बोलना भी नहीं है क्योंकि गुरुजी उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी कहते हैं कि मनो मंगो नहीं जब मैं वहां पे पहुंची गुरुजी के जहाँ पे गुरुजी थे तो मैं हैरान हो गई वहां पे बहुत सारे लोग थे बहुत बड़ी संगत थी सब बैठे हुए थे बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे पे मैंने और आगे देखा तो गुरुजी अपनी रॉयल थ्रोन पे मैजेस्टिकली बैठे हुए थे उस संगत में काफी सारे सेलिब्रिटीज भी थे मिनिस्टर थे फिल्म स्टार कोई जर्नलिस्ट सब अपनी जगह पे चुपचाप बैठे और भजन सुन रहे थे गुरुजी कोई स्पीच नहीं देते थे ना देते थे मैं भी जाकर संगत में बैठ गई मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे हमारी वाइब्स
और थॉट्स को था। गुरुजी कहते हैं कि मनो, मंगो नहीं, यू डोंट नो हाउ मच टू आस्क, व्हाट टू आस्क फॉर। इट इज लाइक यू कैन सी वॉल फ्रॉम हियर, गुरुजी कैन सी फार बियॉन्ड। सो गुरुजी के हिसाब से हमें नहीं मालूम है क्या मांगना है, वेदर हमारे के नहीं, सो मांगो नहीं। तो गुरुजी की संगत में मैं चुप करके बैठी यही सोच रही थी कि मुझे गुरुजी बुलाएंगे या नहीं। और मैं इतने में मैंने ऊपर देखा तो मुझे गुरु क्या कर रहे थे, तो मैं बड़ी हैरान और कंफ्यूज्ड और खुश भी थी। तो मुझे मैंने सोचा शायद किसी और को बुला रहे हैं, मैंने इधर उधर देखा तो मुझे सबने कहा नहीं बुला रहे हैं। तो इतनी जोर से मुझे बहुत तेज हो गई, पैल्पिटेशन हो रही थी कि अरे वाह गुरु जी ने बुलाया। मैं चल के गई गुरु जी के पास और कुछ कहने लगी तो मुझे गुरुजी ने इशारा किया कि कुछ नहीं बोलो, जा ऐश। मैं और कंफ्यूज हो गई कि मैं जाऊं, तो मैंने हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा गुरुजी मैं जाऊं, तो वो स्माइल करने लग गए, स्माइल है ब्लेस कर देता है, जाओ ऐश करो डॉक्टर नी, लंगर खाओ और जाओ। तो मैं बहुत हैरान थी कि गुरुजी को क्या कि मैं डॉक्टर हूं। तो यही सोच के मैं जाके पीछे बैठी और जब लंगर का टाइम हो लंगर किया। और उन दिनों में कम्युनल लंगर होते थे कि चार जने थाली से खाते होते थे। और आई थैंक माई स्टार्स दैट इवनिंग आई वॉज रियली वेरी कंटेंटेड एंड हैप्पी। बयान नहीं कर सकती कि मेरे दिल में क्या जा रहा था। और अपने हस्बैंड को बताऊं, चले गए घर पहुंचते ही मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया जो दुबई में थे कि ऐसे ऐसे आज मैं गुरुजी को मिली, उन्होंने मुझे बोला कि कल्याण कर देता। तो एक नई होप जाग गई माइंड में। एंड बहुत रात को मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मैं जरूर मिलूंगा, विच वॉज अगेन समथिंग विच नेचुरली। सो माई हस्बैंड एंड आई स्टार्टेड विजिटिंग गुरुजी अर्ली आफ्टर दैट। कैसे somehow गुरुजी को मेरा फोन नंबर चल गया और वो मुझे मेरे फोन नंबर से बुलाते, जैसे 9810012 34 समथिंग लाइक दैट। एंड होती थी कि वो मुझे मेरे नंबर से बुला रहे हैं और सब सुन रहे होते थे, आ गए 100 एंड मुझे मेरा नाम से नहीं बुलाते थे, मेरे फोन नंबर से बुलाते थे। और मुझे ये एहसास होता था जैसे गुरुजी मेरे ब्लेस कर रहे हैं, जैसे मैं उनको याद हूं, तो बहुत अच्छा लगता था। जैसे गुरुजी कहते हैं कि उनको मांगना नहीं आता, उसी तरह कई दफा होता है कि हमें यह भी नहीं एहसास होता कि गुरुजी ने हमको दे क्या दिया। बहुत कुछ दे देते हैं गुरुजी और हम ग्रांटेड ले देते हैं। अब ये कुछ समय बाद की बात है, मेरी बेटी कर रही थी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज से, तो एक दिन वो मेरे पास आई और मेरे को कहती है पापा ग्रेजुएशन तो हो जाएगी, व्हाट नेक्स्ट। और उस वक्त मेरे पास उसके लिए कोई जवाब नहीं था। फिर उसके बाद मैं फिर दुबई आया, दुबई में काम के सिलसिले में आया। और यहाँ पे उस टाइम पे एक नया कैंपस बना था नॉलेज विलेज, बहुत बड़ा कैंपस, बहुत सुंदर कैंपस, और वहां पे कई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज थी। तो मैं वहां पे वैसे ही देखने गया, नॉलेज विलेज नया खुला है, मैंने कहा चलो चल के देखते हैं। वहां जाके मैं इतना प्रभावित हुआ कि ये कितनी सुंदर जगह है, कितनी अच्छी जगह है, उसकी एम्बियंस इतनी अच्छी थी। मैंने वहां से फोन किया अपनी वाइफ को इंडिया में और मैंने कहा हमारे बच्चों तो यहीं पढ़ेंगे। और वो कहती हैं आर यू मैड, ये कैसे पॉसिबल होगा। और मैंने उसको कहा गुरुजी है ना हमारे साथ, सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। उस बात को 15 साल हो गए और आज भी
मेरी बेटी रोज नॉलेज विलेज जाती है, पहले एक स्टूडेंट थी, फिर वहीं लेक्चरर बन गई और अब आज हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। उसके बाद मेरा बेटा, उसने इंजीनियरिंग करी और वो भी वहां पे बीच में बिट्स पिलानी के दुबई कैंपस में उसको एडमिशन मिल गई और वो भी आज तक रोज जा रहा है नॉलेज विलेज। पहले स्टूडेंट था, उसके बाद आज वो एक वहां पे सीनियर लेक्चरर है। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जो कुछ हमने सोचा भी नहीं था कि हम कर पाएंगे, हमारे बच्चों ने नहीं सोचा था कि ये हो पाएगा, वो सब गुरुजी ने पूरा किया। इतनी सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी की, जो मैं आज सोच रही हूँ, मुझे इतनी सारी चीजें ख्याल आ रही हैं कि गुरुजी की दया से मेरे बेटे की जर्नी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है। मैं यही सोच रही हूँ कि उसने आज तक कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया। स्कूल के बाद उसने इंजीनियरिंग करी, पोस्ट करी, पीएचडी करी। He did his engineering from BITS Pilani, his master's from UCL London and his PhD from Barcelona University in Spain, and for all he was invited to do that. And after all these years, when he finished the PhD also, he was again invited to join a very good job where he was invited as a senior lecturer. This is all because of Guruji's blessings. जय गुरुजी। मैं पेंटिंग करता हूँ, ये मेरी एक हॉबी है, एंड आई लाइक टू पेंट पोर्ट्रेट्स। तो मैं जब दुबई में था, मेरी फैमिली इंडिया में थी, तो मैंने सोचा कि एक गुरुजी का पोर्ट्रेट बनाया जाए उनकी फोटोग्राफ्स। मैंने एक छोटा पोर्ट्रेट बनाया गुरुजी का, बहुत मैं भी खुश हुआ। मैंने उसको जाके फ्रेम करवा लिया और मैंने सोचा कि ये मैं जाके गुरुजी को गिफ्ट दूंगा। जब गुरुजी के पास पहुंचा मैं, वो अपना गिफ्ट लेके, वो पेंटिंग थी, कागज में रैप्ड थी, वहां पे पहुंचा, तो सडनली आई वॉज वेरी एम्बेरस्ड एंड आई फेल्ट के भाई ये मैं क्या लाया हूं गुरुजी के लिए। और मैंने क्वाइटली संगत के कमरे से बाहर, एक काउंटर था वहां पे, उसको क्वाइटली रख दिया। अब किसी ने मेरे को देखा नहीं, गुरुजी तो देख ही नहीं सकते थे क्योंकि वो अंदर थे, किसी ने देखा नहीं कि इसने क्या रखा है, क्या है इसमें। और मैं चुपचाप अंदर चला गया हॉल में और बैठने लगा। मेरे बैठने से पहले ही गुरुजी कहते हैं, बाहर की छट के आए हैं, ले आ। हाउ डिड ही सी? ओनली गुरुजी कैन सी। सो देन आई वेंट आउटसाइड, आई अनरैप्ड द पेंटिंग, आई ब्रॉट इट एंड आई टुक इट टू गुरुजी। अब आप भी सोचिए, वहां पे सभा लगती है, संगत होती है, लोग आते हैं, गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेते हैं। गुरुजी के पास ग्लास के ऊपर लिखने वाला पेन क्यों होगा? लेकिन उस दिन था और उन्होंने मेरी पेंटिंग ली, पेन उठाया और उसके ऊपर लिख दिया, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। और मेरे को कहते हैं, ये ले जाके अपने दुबई के ऑफिस में इसको लगा ली। So the gift that I had taken for Guruji became my most precious gift. उस वक्त इतनी खुशी हुई मेरे को, इतना अच्छा लगा और मैं गुरुजी को प्रणाम करके आ गया। लेकिन फिर मेरे को एक चिंता हुई कि दुबई में तो मेरे पास कोई ऑफिस ही नहीं है। दिल्ली में ऑफिस था लेकिन दुबई में नहीं था।
फिर मैंने कहा ये गुरुजी का इशारा है कि अब दुबई में जल्दी ही ऑफिस होने वाला है। और वही हुआ, बहुत जल्द मेरा ऑफिस वहां पे खुल गया, वहां पे आई वॉज एबल टू ओपन एन ऑफिस देयर। और वहां पे मैंने जाके वो पिक्चर गुरुजी की ऑटोग्राफ्ड पिक्चर वहां पे जाके सजा दी। उस टाइम के बाद आज हमारा ऑफिस उससे कम से कम 5 गुना बढ़ा है, काम बहुत बढ़ गया है, लेकिन वो पिक्चर मेरी सीट के बिल्कुल साथ में होती है और जब भी मैं अपने ऑफिस के अंदर जाता हूं पहले गुरुजी को प्रणाम करता हूं। ये उन दिनों की बात है, अभी मैं दिल्ली में ही होती थी, अपना प्रैक्टिस करती थी डायबिटीज का, और शाम के टाइम पे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में MBA कर रही थी। गुरुजी मेरे को बार बार कहते थे दिल्ली छोड़ दे, तू यहां क्या कर रही है, ऐ तेनु नहीं फलना। ही यूज्ड टू से दैट एंड समटाइम्स ही यूज्ड टू कॉल मी आल्सो, तू अभी गई नहीं। तो मैं सोच रही थी कि कैसे इतना कुछ यहाँ पे पूरा बिखरा हुआ है, अपना घर सारा कुछ, उसको समेटना, क्लिनिक को समेटना, तो कैसे होगा। तो फाइनली कुछ ऐसे ही हुए संजोग, सारा कुछ समेट के फिर मैं दुबई आ गई। जैसे ही मैं दुबई में आई तो मेरे को एक काम अच्छा मिल गया था, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैं डायबिटीज स्पेशलिस्ट थी, and it was a very good start. When I look back, I think that Guruji ko zyada malum hai ki aapko kya dena hai, unme faith rakhna aur unke sath complete surrender karna ek bahut bada man ka aur mind ka sukoon hai. गुरु जी के साथ हमारे इतने ज्यादा सत्संग हैं कि मैं सोच नहीं पा रही हूं कि क्या क्या और शेयर करूं। एक और सत्संग जो अभी हाल ही में मेरे साथ हुआ, लास्ट अक्टूबर आई वॉज इन दिल्ली विद माई फादर एंड इन द मिडल ऑफ द नाइट अराउंड 1:30 आई हर्ड माई मदर कॉलिंग मी कि जल्दी आओ। मैं भागी उनके पास गई, पता लगा कि डैडी बाथरूम में गिर गए थे। ही वॉज 92 ईयर्स ओल्ड एंड इट सो हैपन्ड दैट ही हैड अ हिप फ्रैक्चर एट दैट एज इज वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू टेक केयर ऑफ। आई इमीडिएटली कॉल द एम्बुलेंस and my father and I left for the hospital. We were there within 1 hour and the x-rays were done, and when we found out that it is a hip fracture and they have to put a nail, it has to be surgically operated, and mereko khabar aayi ki mujhe 3 units blood ka taiyari karni hai. मैं सोच रही थी कि 3 units का ब्लड मैं मिडल ऑफ द नाइट कहां से अरेंज करूं, और सुबह सर्जरी है, तो मैं ब्लड बैंक से वापस आ रही थी और गोइंग बैक टू द रूम। इतने में एक यंग गर्ल शी केम टू मी एंड शी सेड मैं आपसे एक बात करना चाहती हूं। तो मैं वैसे ही बहुत परेशान लग रही थी और परेशान थी भी, तो मुझे आके उसने गुरु जी का स्वरूप आके मेरे हाथ में रखा। मैं एकदम नम हो गई कि गुरु जी मेरे को अभी भी याद कर रहे हैं और ही इज ब्लेसिंग मी। आई सेड ये आपको भी चाहिए होगा, आप हॉस्पिटल में हैं। तो कहने लगी नहीं आंटी जी, आई थिंक यू नीड इट मोर देन मी, बाय लुकिंग एट यू आई हैड द अर्ज टू कम टू यू एंड गिव यू द स्वरूप। जब मैं ये बोल रही हूं तब भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने अपने हाथ में स्वरूप रखा और मैंने उसको बोला थैंक यू बच्ची। तो कह के तो मैं
जब डॉक्टर को फोन किया कि ब्लड यूनिट तो इस वक्त मैं कहाँ से करूँगी, तो कहने लगे नहीं आपका तो ब्लड ऑलरेडी अरेंज हो चुका है, मुझे अभी ओटी से फोन आया है सिस्टर का कि इनका 3 यूनिट ब्लड अरेंज हो चुका है, तो आप कोई चिंता ना करें एंड सुबह सर्जरी हो जाएगी। सुबह का टाइम आया, सर्जरी हुई और मेरे डैडी बाहर आए, ही वॉज कॉन्शियस। थोड़ी देर के बाद फिजियोथेरेपिस्ट भी आया, उन्होंने डैडी को एक्सरसाइजेस बताई, मैंने उसका वीडियो बकायदा रिकॉर्ड किया हुआ है। सो गुरु जी इज विद अस एट एवरी मिनट एंड वी शुड नॉट एवर डाउट दैट। ये और बात है कि कुछ टाइम के बाद डैडी को हार्ट अटैक हुआ और वो हमको छोड़ के चले गए। अब वो तो फिर हम सबको ही जाना है। मुझे इस बात की हैरानी है कि आई एम ऑलवेज स्टेइंग इन दुबई एंड इट वाज जस्ट बाय लक चांस गुरुजी's ब्लेसिंग्स दैट आई वाज देयर व्हेन माय फादर फेल डाउन। इजंट दैट समथिंग यूनिक? गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहे हैं, गुरुजी ने हमेशा हमारा ख्याल रखा है, हमें सुरक्षित रखा है और हमारी 20 साल की जर्नी तो यही है गुरुजी पे पूरा भरोसा करके जिंदगी आगे बढ़ाते जाते हैं और हमें पता है, बहुत कॉन्फिडेंस है हमें कि जब तक गुरुजी हमारे साथ है हमारे साथ कुछ गलत नहीं है। और अभी तो 20 साल हुए हैं, अभी तो और जीना है और आगे जिंदगी है अभी, और हमारे बच्चे हैं वो भी गुरुजी के बहुत भक्त हैं, उन्होंने भी आगे बहुत लंबी जिंदगी जीना है। सब गुरु जी के भरोसे। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।